नमस्कार, मैं उस्मान अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से। जनवादी नौजवान सभा ने निकाली जुलूस। खबर है चंदौली के नियमताबाद सन्मार्ग स्थानीय क्षेत्र के पांडेपुरा बाजार में भारत के जनवादी नौजवान सभा मंडल इकाई मुगलसराय की युद्ध में सैकड़ों नौजवान ने शहीद किए अजीम भगत सिंह के 113वीं जयंती के अवसर पर महान सबूत जारी करते हुए पांडेपुरा बाजार में जुलूस निकाला गया। जुलूस में निकला जिंदाबाद, जनतंत्र स्वतंत्र, समाजवादी जिंदाबाद, भगत सिंह अमर रहे आदि नारे लगाए गए। साथ ही कोरोना के आड़ में जनता के संवैधानिक अधिकारियों पर हमला बंद करो, रेलवे, बीमा, बैंक व बिजली निजी कार्ड बंद करो, देश प्रदेश में बंद पड़े कारखानों तत्काल खोले जाए, सरकार के व गैर सरकारी विभाग खाली पदों पर तत्काल भर्ती करो आदि नारों द्वारा भी उद्देश्य किया गया। वहीं जुलूस के बाद विचार गोष्ठी को संबोधित करते हुए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष गुलाब चंद ने कहा कि देश की सरकार 80 दशक के बाद की सरकार ने निजी कारण उदयकरण व विशेष कारण के जी अधिकृत नीति अपनाए, उससे हमारे देश में रोजगार का संकट कम नहीं हुआ बल्कि उससे बढ़ गया। युवा गाँव में शहरों की तरफ प्रयास कर रहे हैं, खेती में काम दिन घट रहा है, मनरेगा कार्य दिन असर 45 का। गुलाब चंद ने कहा कि देश में मोदी सरकार की युवा विरोधी गतिवादियों के कारण बेरोजगारी विस्फोट हालत में पहुंच रही है, जिसके परिणाम वर्तमान सरकार को देश की गद्दी उतार देगी। वहीं इस गतिविधि के प्रमुख रूप में जलंधर मूल रामचंद्र अरविंद सहित कलीचरण, सुजीत कुमार जयंती, हिमाचल शंकर सुदर्शन आदि लोग मौजूद रहे। वहीं वरिष्ठ अध्यक्ष कमलेश कुमार व संचालन सुजीत कुमार ने किया। रविशंकर मिश्रा की खास रिपोर्ट। ताजा तरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार, मैं उस्मान अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से। खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से। बरछावा में समाजवादी माने से रिप्लेस कर दिया राज्य सचिव। समाजवादी पार्टी के विधानसभा बरछावा के मुख्य चौराहे पर आदेश पटेल, अभिषेक वर्मा, रामजी अजीत शेखर, मान्य उमा शंकर चौधरी पटेल समस्त विधान प्रसिद्ध शिक्षक व सपा बरछावा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष विधायक रामलला केला कुआ बरछावा के वर्तमान ब्लॉक प्रमुख विक्रम अकेले के नेतृत्व में जोरदार फूल मालाओं से स्वागत किया। इस मौके पर गोलू रायनी, शिवम पटेल, नवनीत कुमार उर्फ गौरव, डॉक्टर संतोष मौर्य, आशीष मौर्य, प्रेम पटेल, आशीष पटेल, अनुज राणा, नीरज वर्मा, मनमोहन मौर्य, हेमंत कुशवाहा, प्रमोद चौधरी आदि समाजवादी के साथ उपस्थित रहे। खास खबर मोनू सिंह के साथ। जो जब भी विजिट में जाएंगे चौकीदारों को उस गाँव में बुलाएंगे, ये करते रहे। आज थाना दिवस है, बछरावा थाने पर रायबरेली जनपद में हम लोग आए हुए हैं। यहाँ पे कोविड के नॉर्म को ध्यान में रखते हुए जो लोगों का विभिन्न शिकायत है, जमीन संबंधी या प्रॉपर्टी संबंधी जो विवाद आते हैं, उसके समाधान के लिए राजस्व विभाग का टीम और पुलिस के अधिकारीगण मौके पर जाके इसका समाधान कर रहे हैं। इस दिशा में इस नमस्कार, मैं उस्मान अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से। लखनऊ जोन से अपर पुलिस महानिदेशक एस एन सावंत द्वारा थाना बरछावा व नगर कोतवाली में संविधान दिवस पर निरीक्षण किया गया, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम थाना बरछावा में पहुंचकर किया गया। निरीक्षण के तत्वपद उपरांत दोनों थानों पर संविधान दिवस में आईफोन विदित संबंधित शिकायत पर अभिलेखों को तुरंत न्याय दिलाने की बात कही। थाने में उपस्थित प्रभारी निरीक्षक, उप निरीक्षक, विवेचकों से योजनाओं के मामले में किया पूछताछ। इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक महादेव श्लोक कुमार सहित कई अन्य अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित रहे। खास खबर मोनू सिंह के साथ।
समझा रहे हैं, टीम जाएगी तो दो तीन दिन पालों का इनका पहले भी कोई घटना चल रहा है सर, क्या है प्रकरण क्या है इनका? पेड़ है सर, पेड़ को काट करके आपका हल्का का दरवाजे का जो जब भी विजिट में जाएंगे सही चौकीदारों को गाँव में बुला के ये करते रहे। आज थाना दिवस है, बछरावा थाने पर रायबरेली जनपद में हम लोग आए हुए हैं। यहाँ पे कोविड के नॉर्म को ध्यान में रखते हुए जो लोगों का विभिन्न शिकायत है, जमीन संबंधी या प्रॉपर्टी संबंधी जो विवाद आते हैं, उसका समाधान के लिए राजस्व विभाग का टीम और पुलिस के अधिकारीगण मौके पर जाके इसका समाधान कर रहे हैं। इस दिशा में इस मॉनिटरिंग का प्रयास है।